गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल वी कैन. आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 इन ज्योग्राफी, एंडोमेंट ऑफ नेचर. इन दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड इन 2 to 3 पार्ट्स, सो प्लीज़ बी पेशेंस एंड दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट. ओके, रीड अबाउट रिसोर्सेज मीनिंग एंड टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूजफुलनेस ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स conservation. Student, now I want to ask you what is resources. अगर मैं आपसे पूछती हूँ resources क्या है, तो आप मुझे बताइए resources क्या होता है. Just begin. Resources is all the objects present in the environment which are useful to man and have a value are called resources. यानि जो भी object या substances जो आपके environment में present है, जो कि हमारे humans के लिए useful है या जिसकी कोई value हो, उसे हम कहते हैं resource. Value का मतलब होता है उस substance की कोई importance होना. यानि अगर हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में चीज़ें तो बहुत सारी प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारे लिए किसी यूज़फुल नहीं है, तो क्या आप उसको यूज़ करोगे? नहीं ना. लेकिन अगर हम उसको हमारे यूज़ में रहते हैं और उसकी कोई वैल्यू होती है, तभी हम उसे रिसोर्सेज कहेंगे. आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. अगर मैं आपको रिसोर्सेज के एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, तो हम वाटर ले सकते हैं, पेंसिल है, पेपर है, रबर है, नाइफ है, मतलब हर एक वो चीज़ जो आपकी यूज़ में आ सकती है, वो सब चीज़ें आपकी रिसोर्सेज में आएंगे. रिसोर्स हैज़ इट्स ओन यूटिलिटी. रिसोर्स की खुद की एक यूटिलिटी होती है. यूटिलिटी का मतलब है दैट हाउ मच इट इज़ एबल टू फुलफिल ह्यूमन नीड, यानी किस हद तक ये हम लोगों की नीड को फुलफिल कर पा रहा है, उसे ही हम उसकी यूटिलिटी कहेंगे. ये पर्सन टू पर्सन वेराई करती है. इट मीन्स इट वेराइज फ्रॉम पीपल टू पीपल. अगर हम अब इसको मैं समराइज करती हूँ, तो हम कह सकते हैं दैट वी आर व्हेन वी आर एबल टू यूज़ दिस सब्सटेंसेस देन इट बिकम रिसोर्सेस. जब हम इन सब्सटेंसेस को यूज़ कर पाएंगे, तभी हम उस चीज़ को बोलेंगे रिसोर्सेस. Use of resources is also depend on its value. हम लोग देखेंगे कि resources जो है उसकी value क्या है, इस basis पे भी हम resources को use करते हैं. As I already told you that what is the meaning of value. Value का मतलब होता है किसी भी substance की importance. Let take one example. जैसे कोई carpenter है, आपको पता है कारपेंटर क्या काम करता है, फर्नीचर बनाने का काम करेगा. जब वो फर्नीचर बनाएगा, तो उसको किसकी नीड है? वुड की. यानी उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ क्या हो गई? वुड, यानी लकड़ी. क्योंकि उस लकड़ी की सहायता से ही वो क्या कर रहा है, उसके फर्नीचर को बना पा रहा है. इसके अलावा अगर हम एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट बात करते हैं, तो बुक यानी जिससे हम पढ़ रहे हैं या मैं जिससे आपको पढ़ा रही हूँ, वो एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज है फॉर टीचर एज वेल एज फॉर स्टूडेंट. इसी तरह से गोल्ड, आपको पता है कोई भी ज्वेलर हुआ, अगर उसको कोई भी ज्वेलरी बनानी है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या होगा? गोल्ड. अब आपके यहाँ बुक में एक टर्म यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ स्टॉक. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय अ मैन देन इट रिमेन्स एज अ स्टॉक. स्टॉक का मतलब होता है भंडार. यानी हम जब किसी चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी? स्टॉक के फॉर्म में. स्टॉक का एक पार्ट होता है रिज़र्व, जिसे हम हमारी ज़रूरत पड़ने पर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ में ला सकते हैं. अब आपकी बुक में एक नया टॉपिक दिया हुआ है, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेस. अब व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेस? एज वी नो, नेचुरल का मतलब होता है नेचर. यानी जो रिसोर्सेज आपको नेचर या आपका एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसे मेन डायरेक्टली यूज़ कर रहा है नेचर से, बिना ज़्यादा प्रोसेसिंग किए, उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेस. मीन्स things which are available in nature and can be used directly by a man without much processing. यानि ऐसे resources जिसको हम बिना ज़्यादा process किए directly nature से use कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? Natural resources. इसके examples आपके आ जाएंगे rocks, minerals, forest, river.
ये सब आपके एग्जांपल है नेचुरल रिसोर्सेज के। आपको पता है कि हम लोगों की नीड्स जो हैं कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकती है। पीपल जो है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है रिसोर्सेज का कंजप्शन जो है टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। जैसे हमें अप्रोप्रिएट किसके ज़रिए वो चेंज कर सकता है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर उस रीज़न के एक्सेसिबिलिटी के थ्रू, या फिर उस मतलब उस जगह के रिसोर्सेज के बारे में पता लगाकर वो उनको यूज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि एक मटेरियल को हम रिसोर्स कब कहेंगे, तो अ मटेरियल कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स ओनली इफ़ इट कैन बी चेंज्ड इनटू अ थिंग ऑफ यूटिलिटी, इट पजेजेस सर्टेन वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज एंड इट इज़ अवेलेबल इन द सफिशेंट क्वान्टिटीज़। मैं आपको यूटिलिटी और वैल्यू की बात बता चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट है आपका इट इज़ अवेलेबल इन सफिशेंट क्वान्टिटी, यानी हमारे पास ये इतनी क्वान्टिटी में प्रेजेंट होना चाहिए कि वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर पाए। Now, the distribution of natural resources in the world is highly uneven. हम जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन सब जगह पर हमारे वर्ल्ड में अनइवनली डिवाइडेड है, यानी सब जगह एक समान नहीं है, सब जगह अलग अलग तरीके से। इसलिए हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वो रिसोर्सेज की अवेबिलिटी के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशेंट नहीं है कि उसके पास सारे रिसोर्सेज हो, इसलिए हम लोग रिसोर्सेज के एक्सचेंज करते हैं जो कि हमारी कंट्री के लिए नेसेसरी भी है और हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स चेंज विथ टाइम। द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, विंड मिल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हैज बिकम पॉसिबल विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। With the passage of time and with the development of appropriate technology, many things have become resources at present. People themselves are the most important resources in its development. The development of skills, knowledge, invention and discovery have resulted in a wide range of resources. आपको पता है कि जो resources है उनकी economic value जो है time के साथ change होती रहती है। जैसे हम solar energy की बात करते हैं, hydro electricity की बात करते हैं या windmills की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, यानी हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू जो मतलब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग जो है स्किल्स के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू या इन्वेंशंस के थ्रू जो है हम लोग जो वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज है उनको यूज़ में ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टर्बाइंस का जब इन्वेंशन हुआ था तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए थे। वैसे जब HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड का हम लोगों ने इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था, उस वजह से क्या हुआ था, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे हम लोग फूड के प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर पाए थे और हमारे यहाँ की जो इतनी वास्ट पॉपुलेशन है उनकी नीड्स को उसके थ्रू हम फुलफ़िल कर पाए थे। इस तरह से हमने देखा कि हम लोग इन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के थ्रू हमारी जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है या इतनी जो हमारे यहाँ पर जो मेनकाइंड्स हैं उनके पास तक बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स हम उनको पहुँचा सकते हैं, और इसके अलावा हम उनके पास तक और बेटर फैसिलिटीज़ या सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम प्राइमरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या तीन टाइप के हम कह सकते हैं, दैट इज़ योर नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनमेड रिसोर्सेज। फर्स्टली नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी कंज्यूम्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर विदाउट मच प्रोसेसिंग। जैसा कि हमने देखा था, नेचुरल गिफ्ट जो है भगवान का या गॉड गिफ्टेड है, जो कि हमें इन्वायरमेंट ने हमें फ्री में दिया है, जिसको हम लोग डायरेक्टली नेचर से यानी हमारे आसपास के वातावरण से या इन्वायरमेंट से हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते ज़्यादा प्रोसेसिंग किए बिना। जैसे कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वो लैंड, जो पानी हम पी रहे हैं, जो हवा हम ले रहे हैं, यानी द लैंड वी लिव ऑन, द वाटर वी ड्रिंक एंड द
एयर वी ब्रेथ, ये सब एग्जांपल आपके होंगे नेचुरल रिसोर्सेज के। सेकंड इज योर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर मैं सिंपल मीनिंग बताती हूँ तो हमारे ह्यूमन बींग की वो स्किल्स, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक अच्छे मैनर में या सस्टेनेबल मैनर में हम उसको यूज़ कर सके। मैंने आपके यहाँ पर तीन टर्म्स यूज़ किए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सस्टेनेबल। क्वालिटेटिव मतलब होता है क्वालिटी के बेसिस पे, यानी एक अच्छी क्वालिटी का। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है क्वांटिटी के बेसिस पे, यानी कितनी क्वांटिटी में और कैसे। एंड मैंने एक टर्म यूज़ किया है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, पता चला हमने सारा रिसोर्सेज सब हमने खुद ने अभी पूरा कंज्यूम कर लिया, अगर हम सब कुछ अभी कंज्यूम कर लेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है वो उनके लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। यानी हमें जो भी रिसोर्सेज है उनको हम वाइज वे में कैसे यूज़ करें, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए जो स्किल्स को हम यूज़ करेंगे वही हमारे लिए होगा ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल ऑफ द कंट्री आर कंसीडर्ड एज एन एसेट एज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ पीपल। हमारे यहाँ की कंट्री के जो पीपल है वो एक काफ़ी बड़ी संपत्ति है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी मतलब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छे स्किल की ज़रूरत है, और स्किल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ह्यूमन बींग के अंदर या पीपल के अंदर। तो अगर उनके अंदर अच्छी क्वालिटी के हमारे यहाँ पीपल होंगे या अच्छी क्वालिटी के स्किल हमारे पास होंगे तो हम अच्छे तरह के टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं, हम लोग उन अच्छे तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो बना सकते हैं, अच्छे इन्वेंशंस कर सकते हैं, और ऑल दो हम लोग रिसोर्सेज को एक अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। The quality of the human being can be increased through the education and vocational training. हम लोग अब ह्यूमन बींग की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, थ्रू एडुकेशन, यानी उनको अच्छे से नॉलेज दे के या फिर उनको उनकी फील्ड के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दे के। स्किल्ड एंड द एफिशियंट पीपल विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दस ह्यूमन बींग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जब ये लोग पढ़ लेंगे यानी एडुकेटेड हो जाएंगे और जब इन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे तो ये लोग क्या करेंगे कि हमें रिसोर्सेज को किस तरह से हम प्रॉपर वे में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उस तरफ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इस तरह से जो है ह्यूमन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिसोर्स के डेवलपमेंट में। थर्ड इज़ योर मैनमेड रिसोर्सेज। मैनमेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय मैन यूजिंग हिज skills and knowledge. Man has created a wide range of valuable things like building, monuments, technology, hybrid variety of seeds, painting, institutions, etc. Man-made resources. मैं अगर इस टर्म को ब्रेक करती हूँ, मेन प्लस मेड, यानि जो मेन के द्वारा बनाया गया हो या फिर ह्यूमन ने जिसको बनाया हो या जिसको वैल्यूएबल या फिर यूजेबल फॉर्म में किसी रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया है और जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे मैन मेड रिसोर्सेज। यानी ये वो रिसोर्सेज है जो हमने हमारे स्किल और नॉलेज के थ्रू रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया है हमारे वैल्यूएबल थिंग में, जैसे बिल्डिंग हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, हाई वैरायटी सीड्स हो गई, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें क्या हो गई, मैनमेड रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ इट फॉर द टुडे लेक्चर। नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड हिट बेल आइकन टू गेट अ लेटेस्ट अपडेट। हैव अ नाइस डे।